दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबी इन्फोमेंट्री। दोस्तों, चाहे 10 साल का बच्चा हो या 60 साल का व्यक्ति, यूपीआई एक ऐसा ऐप है जो आज की तारीख में हर एक के फोन में डाउनलोड हो चुका है और हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है, चाहे पेटीएम के रूप में, चाहे फोन पे के रूप में, या फिर गूगल पे के रूप में, या फिर भीम ऐप के रूप में, और या फिर मोवी क्विक के रूप में। क्या आप भी पेटीएम, गूगल पे या फोन पे का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए? कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। यूपीआई का ऑनलाइन यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है आज की तारीख में, और खासकर जब पिछले 2 साल में लॉकडाउन लगा था तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया। अब चाहे सब्जी वाला हो या ग्रोसरी वाला, पेट्रोल पंप वाला हो या फिर दूध वाला, हर कोई पेटीएम लेता है। लेकिन एक बात है, शायद आपने जो कभी नहीं सोची होगी कि इतने ज्यादा जो आज आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कोई लिमिट है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनको देखता है? क्या उन पर जीएसटी भी लागू होता है? क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे पेटीएम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपको कैशबैक मिल जाए या थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाए, चाहे वो आपका फोन रिचार्ज करने वाला हो, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने वाला हो, या फिर और इस तरह के बहुत सारे दूसरे लोग जो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की सेवाएं आपको देते हैं, और उसके लिए वो आपसे कुछ थोड़ा सा अमाउंट चार्ज भी करते हैं, 1 या 2%। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स आपको पेमेंट भेजते हैं ऑनलाइन, और फिर उसके बाद आप उसको खर्च करते हैं अपनी फीस के पेमेंट में, अपने दूसरे खर्चों के लिए। इन द प्रोसेस आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। तो आजकल हर बंदा पेटीएम कर रहा है, फोन पे यूज कर रहा है, गूगल पे यूज कर रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। किस लिए? या तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए, या फिर इंसेंटिव अर्न करने के लिए, या फिर 2-3% कमीशन के लिए, या फिर किसी की हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, ये दौर है यूपीआई का। सबसे ज्यादा यूपीआई अगर हो रहा है तो वो है इंडिया में। मैं इस काम के लिए भी यूपीआई करता हूं, मैं उस काम के लिए भी यूपीआई करता हूं, कोई भी काम हो उसके लिए फौरन यूपीआई किया जाता है। मैं अपने अकाउंट में यूपीआई से पेमेंट ले रहा हूं, किसी और की पेमेंट तो वो भी मैं अपने अकाउंट में यूपीआई से ले रहा हूं, किसी और की अगर पेमेंट करनी है तो वो भी मैं अपने यूपीआई से कर रहा हूं, या फिर किसी की हेल्प करने के लिए भी मैं यूपीआई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इंसेंटिव मिल जाता है, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, मुझे
10-20 रुपए का फायदा हो जाता है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैं ये गलती कर देता हूं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा इनकम टैक्स के अंदर, और ये क्या सही भी है या गलत है। कहीं थोड़े से रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए मैं बहुत बड़ी लायबिलिटी अपने सर पर तो नहीं ले रहा हूं। तो दोस्तों विश्वास मानिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सारा पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, इंसेंटिव के चक्कर में अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारी एंट्री घुमाते रहते हैं, या कैश जमा कराकर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, या यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो आपसे मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में इस तरह की सिचुएशंस को आप मैनेज कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप करने जा रहे हैं इस तरह के ट्रांजैक्शंस तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में। होता क्या है कि आप अपने ताऊ, चाचा, मामा, भाई या फिर किसी जानने वाले सबके अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको 150 रुपए का इंसेंटिव मिल जाए। आप गूगल पे भी कर रहे हैं, पेटीएम भी कर रहे हैं और दूसरे यूपीआई भी कर रहे हैं। उस 150 रुपए कमाने के लिए आप 1,00,000 या 50,000 की ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद और 150 कमाने के लिए आप फिर से 1,00,000 या 50,000 की ट्रांजेक्शन करते हैं। घुमा फिराकर आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है साल भर में 50,00,000 से लेकर 1,00,00,000 रुपए तक की। तो फिर आपके बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन दिखाई देती है वो दिखाई देती है फॉर एग्जाम्पल 1,00,00,000 रुपए की पूरे साल में। तो 1,00,00,000 रुपए पर आपने कमाया कितना, 1% के हिसाब से 1,00,00,000 रुपए पूरे साल में, और ट्रांजेक्शन हो गई 1,00,00,000 रुपए की। तो आप क्या सोचते हैं कि आपने तो पूरे साल में जितना भी पैसा घुमाया फिराया, आगे भेजा पीछे भेजा, यूपीआई किया या पेटीएम किया, लेकिन आपने कमाया तो सिर्फ 1,00,000 रुपए। और क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपसे तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता है टैक्स वाला, चाहे वो इनकम टैक्स वाला हो या फिर जीएसटी वाला। मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करना है, क्योंकि 2,50,000 तक तो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों डरे। लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं। कारण क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि आपने टोटल टर्नओवर कितना किया है, और वो है 1,00,00,000 रुपए पूरे साल में। उसी तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट देखता है आपने कितना टर्नओवर किया, ये देखता है आपका टर्नओवर, और वो है 1,00,00,000 रुपया। इनकम टैक्स वाला कहता है कि 1,00,00,000 रुपए का 6% आपकी इनकम हो गई और आप उस पर मुझे टैक्स दीजिए। जीएसटी वाला कहता है इस 1,00,00,000 रुपए पर आप मुझे पूरा जीएसटी दीजिए। वही दूसरी तरफ आप सिर्फ 1,00,00,000 रुपए के बारे में ही सोचते रहते हैं और इस पूरे 1,00,00,000 रुपए के टर्नओवर को भूल जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि भैया मैंने तो ये सारा कुछ किसी की हेल्प करने के लिए किया है, तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है डिपार्टमेंट वालों को। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके
टोटल टर्नओवर को देखता है और उस पर वह आपसे 6% के हिसाब से प्रॉफिट मांगते हुए उस पर टैक्स मांगता है, यानी कि 6 लाख रुपए पर। वही आप कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, आप अपना ऑडिट कराकर मेरे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट दो। वही जीएसटी वाला कहता है कि आपने टोटल 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है पूरे साल में, तो उस पर आप जीएसटी दो, उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। अब आप कहोगे जी मैं तो कुछ करता ही नहीं था, मैं तो किसी की हेल्प कर देता था या फिर किसी की रेल की टिकट बुक कर देता था या फिर उसकी एयर टिकट बुक कर देता था या उसके लिए गैस का सिलेंडर बुक कर देता था और उससे मैं सिर्फ 1% कमीशन लेता था, किसी से यूपीआई लेकर किसी दूसरे को उसकी यूपीआई कर देता था, किसी से पैसा लेकर अपने अकाउंट में जमा करके उसकी आगे यूपीआई कर देता था सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सारे ट्रांजैक्शंस को आपकी टर्नओवर या सेल मानता है, यानी के 1 करोड़ रुपए की आपकी सेल है। अब जीएसटी वाला कहेगा कि भाई आपकी तो टोटल सेल है 1 करोड़ रुपए और चूंकि आपकी सेल 40 लाख रुपए से पार हो गई है तो 1 करोड़ रुपए पर जीएसटी दो, क्योंकि जो आपका बैंक वाला है वो आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि आपने एक साल में अपने अकाउंट में कितना कैश जमा किया है, कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो अगर आप अपने ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं बैंक से कि आपके अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसलिए आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिल सकें और हम और आप मिल सकें एक और नए वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।